नमस्कार दोस्तों, कौन है बेरोजगार? ध्रुव राठी या एल्विस यादव या वो तमाम लोग जो काम करना तो चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। बखूबी आप समझ रहे होंगे कि कौन है बेरोजगार। एल्विस ने ध्रुव को रोस्ट किया अपने स्पॉन्सर वीडियो के साथ, और एल्विस महीना में एक सॉन्ग भी निकाल देता है, यानी कि वो अपने हिस्से का जो कमाना चाहिए उसको वो तो कमाई कर लेता है वो। और रही बात ध्रुव राठी की, तो ध्रुव राठी भी अपने वीडियो में एल्विस के नाम का स्कीम बेचता है, मतलब कोर्स बेचता है, लेकिन एल्विस 40 के नाम से। असलियत में यूट्यूब पर अगर एक लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो उसके लिए ऑडियंस को कुछ जेन्युइन वैल्यू देनी पड़ेगी। ये चीज मैंने अपने यूट्यूब ब्लूप्रिंट कोर्स में सिखाई है। अगर तुझे नहीं समझ में आती तो जाकर कोर्स ले ले, तेरे लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी दे देता हूँ। कूपन कोड यूज कर एल्विश 40% ऑफ मिलेगा। यानी कि दोनों जो है वो अपने हिस्से का जो कमाई है वो कर चुका है और करते जा रहा है। हमारा और आपका क्या, हमारे और आपके हिस्से में क्या आया? कुछ भी नहीं दोस्तों। हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, इस पे किसी को बात नहीं करना है। सबको यहाँ जिंदा रहने के लिए कंट्रोवर्सी की जरूरत है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हम लोगों का उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एक बात और, वीडियो को स्किप मत करना, पाप लगेगा नहीं तो। बेरोजगारी केवल बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या है, और यही समस्या को दूर करने के लिए हम लोग शहर की ओर भागते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के इस समस्या पे ही बात करने वाले हैं, यानी कि बेरोजगारी पे बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि इस बेरोजगारी से कैसे दूर हुआ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरा 2 वीडियो देख सकते हैं, पहला शिक्षा और महंगाई पे बनाया था और दूसरा स्वास्थ्य और समस्या पे, और ये 3रा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बेरोजगारी पे बात करेंगे। बेरोजगारी क्या होती है पहले इससे बात करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी कोई व्यूअर्स नहीं होगा जो बेरोजगारी का मतलब नहीं समझता है, लेकिन वही बात है कि जब शुरू से शुरू करते हैं तो बेरोजगारी को भी समझ लेते हैं। जिसके पास रोजगार नहीं होता है वो बेरोजगार कहलाता है, उसे बेरोजगारी कहते हैं। जिसके पास रोजगार नहीं है, इन द सेंस पैसे कमाने की साधन नहीं है जिसके पास, वो बेरोजगार कहलाता है, अनएम्प्लॉय कहलाता है। बिहार की टोटल जनसंख्या करीब 13 करोड़ है, ये तो 2036 तक का आकलन करके बैठा हुआ है। बिहार के कुल आबादी के 58% लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि बिहार एक यंगर स्टेट है। बिहार जनसंख्या के हिसाब से 3रे सबसे बड़े राज्य हैं और जीडीपी के हिसाब से 15वें स्थान पे है। अगर कोई स्टेट जनसंख्या के हिसाब से 3रे पैदान पे हो तो उसे टॉप 5 में जीडीपी के हिसाब से होनी चाहिए ताकि इक्वल हो हर चीज़। लेकिन अगर जीडीपी की माने तो बिहार जो है वो 15वां स्थान पे आता है, और यदि पर कैपिटा इनकम की माने, प्रति व्यक्ति आय की माने, तो ये लास्ट पैदान पे चले जाते हैं, यानी कि 28वां पैदान पे चले जाते हैं। और यहीं से बिहार के इकोनॉमी को आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति होगी बिहार की इकोनॉमी की। जहाँ पे बिहार के करीब 60% लोग युवा हैं और 25 वर्ष से कम आयु के हैं, वहीं पे बिहार की ऐसी स्थिति कैसे, ये सोचने वाली बात है। इस यंगर जनरेशन के लिए बिहार सरकार क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सब पे बात करेंगे। उससे पहले ग्राउंड रियलिटी को समझ लेते हैं। जितने भी भाषण बस दे रहे मोदी जी नाम उसका खाली है, आज तक कुछ नहीं दिया उसने। टीवी और पिछड़ेपन का ये मात्र एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे। बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है दोस्तों, यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक गंभीर समस्या है। बेरोजगारी दर को समझेंगे आगे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इससे पहले इसके कारण समझते हैं। पहला है शिक्षा और कार्य कुशलता की कमी, यानी कि स्किल्स की कमी। नए नए उपकरणों को सही ढंग से यूज नहीं कर पाओगे तो दुनिया से कैसे लड़ पाओगे, और वो बिहारी में थोड़ा सा कम आया है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे समझने की जरूरत है। अपने गलतियों को पहले भांपना होगा, उसके बाद ही उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। अगर हम मान ले कि हमें सब कुछ सही है तो ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। दूसरी है औद्योगीकरण की कमी। अक्सर आप सुनते होंगे कि बिहार में औद्योगीकरण की कमी है, लेकिन एक डेटा तो दो कि कितनी कमी है। आइए आपको मैं डेटा से मिलाता हूँ। ये जो मैं डेटा पेश कर रहा हूँ 2021 से 22 तक की है। गुजरात में 38,066 फैक्ट्री थी 2021 से 22 तक, और महाराष्ट्र में 39,000, और तमिलनाडु में 37,000, और आप गेस कीजिए कि बिहार में कितने होंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 34,000, 35,000, 36,000, 37,000। आप गेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डेटा बहुत ही कम है। इस चारों में से कोई नहीं, क्योंकि रियल आंकड़ा है 3429, जहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, जहाँ पे 39,000, 38,000, 37,000 फैक्ट्री है, और यहाँ पे 37,000 नहीं, 36,000 नहीं, 35,000 नहीं, 3429, ये प्रॉब्लम है। और यदि इससे 10 साल पहले जाओ, यानी कि 2011 से 12 में, तो उस टाइम में 3231 फैक्ट्री थी, यानी कि 10 साल में 200 फैक्ट्री सिर्फ बढ़ी है, यानी 198 फैक्ट्री एग्जैक्ट नंबर अगर देखे तो। 10 साल में 198 फैक्ट्री मार्ट आप बढ़ा पाए हैं, इसका मतलब आप में, आपके सरकार में प्रॉब्लम है, ये बात को आपको मानना पड़ेगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आप देखते ही होंगे कि बिहार में अगर सबसे पिछड़ा हर चीज में अगर कोई आ रहा है तो वो बिहार है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पीछे है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे,
सब चीज हो रही है, लेकिन हर जगह पे हो जाता है, उसके बाद हम लोग का नंबर आता है, सबसे लास्ट में नंबर आता है। जैसा कि आप जानते हैं मेट्रो बन रही है, लेकिन हर जगह पे मेट्रो उखड़ रही है तो हम लोग के यहाँ बन रही है। फूल ढेर रही है, पानी गंदा मिल रहा है, ट्रैफिक के लिए हम लोग कुछ कर पा नहीं रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो जरूरतें हैं, यानी कि जो फैक्ट्री की जरूरतें हैं वो पूरा हो। इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो वो जरूरतें पूरा नहीं होती हैं और उसी कारण उद्योग नहीं लग पाता। ये तीनों प्रॉब्लम तो चलो हम लोग ठीक कर भी लेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है दोस्तों, आप जानते हैं? वो है पॉलिटिक्स में बैठे हुए इंसान जो अपना जेब भरना चाहता है। उसे उद्योग नहीं लगाना है, उसे कुछ भी नहीं करना है, उसे जाति के नाम पे वोट लेना है और अपना जेब भरना है। बस इतनी सी कहानी है ये सब की। अब समझते हैं बेरोजगारी दर कैसे मापा जाता है। जैसे मान लो कि कोई स्टेट है जिसका बेरोजगारी दर 7% है, यानी हुआ कि 100% में, यानी कि 100 लोगों में 7 लोग ऐसे होंगे जो बेरोजगार होंगे। और बेरोजगार को हमने पहले डिफाइन किया है कि जो काम करना चाहता है और उसके लिए काम अवेलेबल ना हो उसको हम लोग बेरोजगार कहेंगे, ठीक है। और इसको आप देख सकते हैं बेरोजगार जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम लोग ऊपर से समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि 100 लोग में 7 लोग काम करने के लिए तत्पर हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये 7% जो है वो बेरोजगारी दर है। यानी कि इसका फॉर्मूला हुआ बेरोजगार व्यक्ति इंटू 100 अपॉन टोटल श्रमिक व्यक्ति। टोटल श्रमिक व्यक्ति क्या हुआ, जो बेरोजगार है वो भी और प्लस में जो रोजगार प्राप्त है वो भी। अब एक एक करके समझते हैं कि बिहार और बिहार के आसपास के राज्य में बेरोजगारी दर कितनी। हरियाणा, राजस्थान, बिहार और झारखंड, यहाँ पे बहुत ही बड़ी जनसंख्या है जो अनएम्प्लॉय है, जिसके पास पैसे कमाने की कोई साधन नहीं है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 37.4% रेट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वहीं पे राजस्थान में 28.5% है, और यदि बिहार की बात करें तो 19.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। झारखंड में 18%, जम्मू एंड कश्मीर में भी 14.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। और यदि बात करें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे कम कहाँ है तो ये रहा लिस्ट, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया और ओडिशा, वो सबसे अच्छा जगह माना जाता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। यानी कि ओडिशा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.1, यानी कि 1 से भी कम है। चुप है लब, आँखों में कोई अरमान नहीं, थक गई जनता, बची हुई कोई पहचान नहीं। चुप है लब, आँखों में कोई अरमान नहीं, थक गई जनता, बची कोई पहचान नहीं, और सरकार सुनो अब कुछ करो हमारी खातिर, उम्मीदों की राह में कब तक बस अब इंतजार नहीं। तो वीडियो तो यहीं तक समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होगा, ताकि आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। धन्यवाद।